आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, घर में भी आप बना सकते हैं। अब हम आपको इसको बना के दिखाते हैं, इसे बच्चे बड़े सभी पसंद भी करते हैं। बिल्कुल ये हार्ड नहीं बनेगा, जूसी बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। चलिए अब आपको इसको बना के दिखाते हैं। चिकन तंदूरी मसाला बनाने के लिए देखिए, हमने चिकन ड्रमस्टिक ले लिया है। इसमें हमने ये चाकू से मतलब छोटा सा चीरा लगा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैरिनेट करके इसको रख देंगे, उसके बाद इसका हम मसाला तैयार करेंगे। ये विदाउट ओवन हम बनाएंगे। इसमें पहले थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और नींबू का रस 1/2 स्पून। अब इसको अच्छे से हम इसको लगा देंगे इसमें और इसको फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपका टाइम ज़्यादा, अगर टाइम कम है तो आप इसको 1/2 घंटे के बाद भी निकाल सकते हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल हम ले लेंगे, इसमें हम पहले इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये हमने नमक ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, और ये चिकन तंदूरी मसाला है 2 स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 स्पून, हल्दी पाउडर है बस थोड़ा सा, ये रेड चिली पाउडर और ये देगी मिर्च है 1/2 स्पून, और ये हैंग किया हुआ कर्ड है ये ले लेंगे हम। इसको फ्रिज में किसी चाय की छन्नी में, किसी भी चीज़ में या कपड़े में, मस्तन क्लॉथ में भी इसको आप बांध के रख सकते हैं, तो इससे सारा पानी आपका निकल जाएगा। और 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस 1/2 स्पून, इसको अच्छे से मिला मिक्स कर देंगे। हमने फूड कलर नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, वो भी पका हुआ डालेंगे 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल 2 स्पून डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब देखिए अपना चिकन निकाल लेंगे फ्रिज से। 1 से 1.5 घंटे हो चुका है, देखिए 1.5 घंटे हो चुका है। इसमें सारा ये मसाला अच्छे से इसको लगा देंगे, ऐसे गोश्त को भी लगा देंगे जो हमने काटा है। अच्छे से उसको मैरिनेट करके सिर्फ 10 मिनट के लिए और रखेंगे, फिर इसको हम तुरंत फ्राई कर लेंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल कम लगेगा। अब इसको हम फ्रिज में नहीं डालेंगे, इसको हम 10 मिनट बस ऐसे रहने देंगे, फिर इसको फ्राई करके दिखाते हैं। ये हमारा ये 1.5 घंटे हो चुका है। अब इसमें हम ये इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें हम ये रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून और डालेंगे ताकि ये कलर इसमें थोड़ा आ जाए, क्योंकि हमने इसमें फूड कलर नहीं डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। विदाउट ओवन हम आपको चिकन तंदूरी खिलाते हैं बना के। अब इसको हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। अभी देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। इसमें बस हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, 2-2 पीस डालेंगे। देखिए ऑयल हमने बहुत कम डाला है, 2 स्पून ऑयल बस डाला है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है। अब धीमे आँच पे इसको हम थोड़ा रोस्ट होने देंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसको पलटेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम इसकी चटनी बना लेंगे खाने के साथ। ये हमने कर्ड लिया है 1 स्पून। अब इसमें 1 स्पून में मायोनीज डाल लेंगे, कोई भी फ्लेवर का आप मायोनीज डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून,
ब्लैक पेपर बहुत थोड़ा सा, सॉल्ट डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल देंगे, थोड़ा सा। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, आपको जिससे भी पसंद आप इससे खाइए। इसको ऐसे ही आपको बना के दिखा दिए, इससे साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। आप ये तंदूरी चिकन में अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर चिकन देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसको हम पलट देंगे। चिकन पलट दिया, अब ये इसको हम पकने देंगे और मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। जी हमने इसे कई बार उलट दिया है, उल्टा पलटा इसे, तो हम आपको ये बिल्कुल देखें कम ऑयल में अच्छे से देखिए बन भी गए और बिल्कुल ये पक भी गया है। तो स्वाद का आटा देते हैं, देखिए बिल्कुल लग जा रहा है इसको। अब इसको हम निकाल देंगे। इसको हमें बनाने में 10 से 15 मिनट पूरा लगा है, और इसको बाहर निकाल के हम दूसरे इसमें डाल देंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसको हम पलट देंगे। घर में भी बहुत आसानी से बन जाएगा, सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपका मेहनत ही नहीं है। और इसको हम ढक देंगे, इसको पकने देंगे उस साइड से भी 3 से 4 मिनट। हमारा ये चिकन तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसके लिए हम थोड़ा इसमें रेस्टोरेंट और तंदूर वाला फ्लेवर आए, इसके लिए हम ये एल्युमिनियम फॉयल इसमें रख देंगे। और इसमें हमने ये छोटा सा कोयला रखा है, इसे इसको गैस पे ही हमने जला दिया था। इस देसी घी थोड़ा सा डालेंगे, इससे इससे जितना धुआं आ रहा है ये पूरा इसमें इसको दबा के इसे 5 मिनट के लिए रहने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है, इसको हम खोल देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें खुशबू भी देखिए बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल तंदूर वाली। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारा तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो गया है, घर में ही हमने बना लिया। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। ये जूसी भी है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई नहीं है। आप भी बनाएंगे तो आपको ज़रूर बनेगा, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसको इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।